अरे हटो यार, हटो ना, सुनते नहीं हो, भीड़ लगा खड़े हो। हीरो बहुत जल्दी है तुझे, बाकी लोग फालतू लग रहे हैं तुझे, आराम से खड़ा रहे यहाँ पे। इसको देखा है? साहब देखा तो नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कोई फिल्म का स्टार है। मजाक चल रहा है यहाँ पे? सर लगा तो बोल। चला के निकल, और लोगों को भी चेक करना है। तुम? हाँ मैं। तुम्हें कॉल आया था? हाँ वो ऑफिस से फोन आया था। क्यों? नहीं मैं नहीं उठा सकता फोन। अरे डिफेंसिव, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और अपने लिए लड़ना भी शुरू, या फिर सफाई दे रहे हो? नहीं भाई मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ और कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं ये सब। मिस्टर अक्षय, मुझे सवाल पूछने में और जवाब देने में फ़र्क समझ में आता है। एनीवे, हम लोग जानते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर ने इस बच्चे को खुशी को जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई छुपा हुआ मकसद ज़रूर है। मैं ये तो नहीं जानती कि उसका मकसद क्या है, वो इंसान कौन है, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मुझे यहाँ उस आदमी को पकड़ने के लिए ही बुलाया गया है। राइट मिस्टर टंडन? जी बिल्कुल, और उसे आपको पकड़ना ही होगा, भले वो घर का हो या बाहर का हो। सिर्फ पकड़ना ही नहीं, खुशी को भी तो लाना है ना, सही सलामत घर लाना है पहले, उसे बाद में उसे देखेंगे। एग्जैक्टली, और इसीलिए उस आदमी का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तुम करोगी कैसे? सिंपल है, इस फैमिली के हर मेंबर पर मुझे शक करना पड़ेगा। जब तक मैं इस बच्चे को खुशी को इस घर में सेफली नहीं ले आती, तब तक इस फैमिली का हर मेंबर मेरे शक के घेर में होगा, पर चाहे वो कोई भी हो, खुद मिस्टर टंडन ही क्यों ना हो जो मुझे इस घर में लेकर आए हैं, या फिर वो तुम भी क्यों ना हो। अक्षय सीरियसली मैम, हम लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि ये जो भी किडनैपिंग हुई है ये रणबीर ने की है, ही इज द कल्प्रिट, तो फिर हम लोग सीधा कंक्लूजन पे क्यों नहीं आ रहे? मतलब सर अक्षय, मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। ऑफ कोर्स, पहले दो बार नॉक करना है, उसके बाद 5 सेकंड का इंतजार करना है और फिर से नॉक करना है। नाइस पासवर्ड। अरे किसको फोन कर रहे हो? अबे अगवा करने के बाद क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं ना? फिरौती मांग रहा हूँ। मेरा फोन शायद पुलिस स्टेशन से होगा, कुछ पता चले। वेट, अननोन नंबर है, मत उठाना, मेरी पे नहीं आई। हेलो हेलो, हाय छोड़, काम की बात करें। हेलो कौन बोल रहा है? देखो देखो, तुम जो भी हो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, मुझे खुशी से बात करनी है, एक बार बात करा दो, खुशी से बात करनी है मुझे। हाँ जरूर, पर पहले मैंने किसी दूसरे काम के लिए फोन किया। क्या काम? काम बोलो, दाम बोलो, एहसान बोलो, मुझे तुम। हेलो कुछ सुनाई? हेलो मैं सुन, हेलो फोन काट दिया शायद उसने। हमें जगह बदलनी पड़ेगी, पीछे के रास्ते से भागते हैं, जल्दी। ए दरवाजा खोल, ए दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, पुलिस आ गई है, दरवाजा। मैंने बोला तो आपको कि मेरी टीम अभी नहीं आई, हम कॉल ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और आपने मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, कुछ बोल रहा था ना वो, मैं करती हूँ ट्राई। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ, तुम जो भी हो फोन उठाओ, मुझे खुशी से बात करनी है, उठाओ गॉड डैमिट फोन उठाओ।
ही एक बार और ट्राई करती हूँ, प्लीज करने दो मुझे, हो सकता है कुछ पता चले। मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे, तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगी तुम्हें पैसे, जितने पैसे चाहिए दूंगी। मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को मुझे दे देना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को दे देना प्लीज, उसको कुछ मत करना, पैसे मैं दे दूंगी, बेटी को कुछ मत करना। खुशी मिल जाएगी, हमारी बेटी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं यहाँ आ गया हूँ। रणबीर? हाँ मैं। तुम बिल्कुल मत घबराओ राजी, मैं खुशी को बचा लूंगा और सीधा तुम्हारे पास लेके आऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। कहां गए ये लोग, कहां गए? ये क्या? ये खुल नहीं रहा है, अभी जल्दी खोल, हमें निकलना है, अभी जल्दी खोल। मेरी बच्ची को छोड़, छोड़ मेरी बेटी। आगे बढ़ना मत, आगे बढ़ा ना तो तुझे गोली मार दूंगा। ए, मेरी बेटी को छोड़ समझा, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा ना, तेरे घर वाले तुझे पहचान नहीं पाएंगे। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़, आगे नहीं बढ़। देखा आप लोगों ने, मैं बिल्कुल सही कह रहा था, रणबीर खुशी के ही साथ है। अभी देखा ना आप लोगों ने, किडनैपर्स का फोन आया और उसी फोन से रणबीर ने भी बात की। इसका मतलब रणबीर उनका बॉस है। और एक सेकंड, रणबीर ने फोन पे बात की, इसका मतलब वो जेल, वो पुलिस स्टेशन से भाग गया। हमें कैसे पता चलेगा खुशी का, कैसे ढूंढेंगे खुशी को? रिस्तिका जी कुछ बोलिए ना। वो सब तो ठीक है, हम खुशी को डेफिनेटली ढूंढ लेंगे, लेकिन ये रणबीर पुलिस स्टेशन से भाग कैसे गया? ये पुलिस स्टेशन वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो उनके वहां से फरार हो गए। इज नॉट राइट, मुझे जो इंस्पेक्टर से बात करनी होगी, ये गलत। सर वो चुप। इंस्पेक्टर साहब, अक्षय टंडन हियर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको पता भी है या नहीं, रणबीर फरार हो गया आपके आपके पुलिस स्टेशन से। चल क्या रहा है, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, एक इंसान को संभाल नहीं पाए। ज्यादा देर बचेगा नहीं हो, मेरी टीम उसके पीछे जगह जगह नाकाबंदी लगा दी हमने, जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा वो। बात वो नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये हुआ कैसे? ये पुलिस स्टेशन है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रितिका जी, अगर मान लेते हैं कि खुशी रणबीर के पास है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि रणबीर कहाँ है? मतलब कोई जरिया होगा ना, कैसे पता लगाएंगे? कुछ बताइए ना, तो हम कुछ करें। नहीं आप समझ नहीं रहे, ऐसे हो कैसे सकता है? तो दिस इज नॉट, हेलो मैम। इंस्पेक्टर रितिका राणे, स्पेशल चाइल्ड अबडक्शन टीम से, आपको जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म करिए प्लीज। जी ठीक है। क्या था ये, पुलिस को गालियां देनी है आपको या अपनी बेटी को ढूंढना है? Sorry, I'm really sorry, ma'am. मैं थोड़ा carried away हो गया था, वो खुशी की बात ही तो। ये सब क्या चल रहा है?
मेरी टीम प्लीज कम, ये मेरी टीम है, तुम लोग अपना सेटअप यहाँ पे लगा लो और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उसे अपडेट करो जल्दी। यस सर। श्रुतिका जी, ये सब तो हम करते रहेंगे, पहले बताइए ना खुशी कैसे मिलेगी, क्या प्लान है, हम क्या करेंगे अभी, कुछ बताइए ना प्लीज। ये रितिका कौन है? आ मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुझे। क्या बैलगाड़ी चला रहा है, भगाना जल्दी। वो रणबीर आया तो देख लेगा। अरे नहीं आएगा, हम अपने अड्डे से बहुत आगे आ गए, वो बहुत पिछड़े गए। कितना टाइम लगाएगा ये, कितनी देर में आएगा? अबे ये क्या है, क्या खटार उठा के ले गया है, गाड़ी स्टार्ट कर। अबे एक गधो, वहां रणबीर पीछे पड़ा है और तुम लोग? हम लोग लड़की किडनैप कर रहे हैं, लड़की को। ऐसे कैसे धंधा चलेगा यार, जल्दी ठीक कर। रणबीर को बताना होगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो, क्या वो कह रहा है वहां पर? हाँ, कब से फोन ट्राई करो, फोन क्यों नहीं उठा रहे तो? और ये क्या फोन पे रणबीर की आवाज सुनी मैंने, क्या क्या चल क्या रहा है वहां पर, जल्दी बता मुझे वहां पर हो क्या रहा है? बात हो रही है ना, नंबर दिया ना मैंने दूसरा, बात कर रहा हूँ ना मैं तुमसे। ए यू लिसन टू मी, तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ मैं, समझे तुम? इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम लोग फंस सकते हो, समझे? और अगर गलती से भी तुम लोग फंसे ना तो मैं मदद नहीं करूंगा, याद रखना। ओ भाई पागल समझाया क्या हमें? अगर हम पकड़े गए ना तो तुझे क्या लगता है, तू बच जाएगा क्या? इसलिए जो तू बोल रहा है ना वो सोच कर बोल। धमकी दे रहा है मुझे ब्लैकमेल करेगा तू? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ ना ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं तुझे अपना धंधा बता रहा हूँ, अपने धंधे की थोड़ी अकल बांट रहा हूँ। हमारा कोई भी काम कच्चा नहीं होता और मुझे तो कच्चा समझना भी मत। और हाँ, वो लड़की को मैंने ठीक जगह पे रख दिया, अगर तू मुझे टाइम से पैसे देता ना तो ना मैं तेरे घर आता और ना मुझे कोई दिखता। तूने मुझे टाइम पर पैसा नहीं दिया इसलिए मैं तेरे घर आया और किसी ने मुझे वहाँ पर देख लिया। सारी गलती तुम्हारी है, अपनी समझदारी तुमने दिखा दी। अच्छा ये बताओ, वो रणवीर जेल से बाहर कैसे आया? तुम्हें उसका पता करना चाहिए ना, सारे इंतजाम तुम्हें देखना चाहिए था। चलो ठीक है, हमें अपना काम करना है। और हाँ, फालतू की बकवास करते टाइम ना ये सोच लेना, अगर हमें कोई परेशानी हो तुम्हें भी होगी, अगर हम डूबेंगे तो तुम भी डूबोगे। भाई हो गई गाड़ी, चलो ठीक है, चलो चलो निकलते निकलते, चलो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। हेलो यू, हाँ निकले अभी, 55 नंबर लेन से निकले और ये 66 नंबर लेन से निकलेंगे अभी। एक काम करो, तुम वहीं मिलो, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ। हाँ, बस पहुँच रहा हूँ, बाय। हेलो रणबीर। प्राची तुम? रणबीर तुम कहाँ हो? मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो रणबीर, बातें मत बनाओ, मुझे पता है खुशी तुम्हारे पास है, तुम उसके आसपास हो, तो झूठ मत बोलो मुझसे, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? मेरे साथ खुशी नहीं है, खुशी को ढूंढने निकला हूँ मैं, और जिसके साथ खुशी है ना उसको मैं पकड़ लूंगा। आई स्वेयर। पकड़ के रहूंगा मतलब? अरे पकड़ लूंगा मतलब मैं वहां पहुंचा था, मैं वहां पहुंचा जहां खुशी को किडनैप किया था, उस इंसान से भी मिला लेकिन उसने मेरे ऊपर गोली चला दिया। और गोली चलाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया, फिर मैंने बहुत कटकटाया, मेरा वक्त वहां पे जाया हो गया, इसलिए मैं पकड़ नहीं पाया उसको। रणबीर कहानियां क्यों बना रहे हो, साफ साफ बता दो ना खुशी कहाँ है, मुझे मेरी बेटी से मतलब है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बोलते क्यों नहीं? प्राची आर यू सीरियस, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ इस वक्त? हाँ मुझे लग रहा है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ये भी पता है कि तुम पुलिस स्टेशन से भाग चुके हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम उस जगह कैसे पहुंचे हो, तुम्हें लोकेशन कैसे पता है, खुशी कहाँ है ना, पता है ना तुम्हें? तो प्लीज बातें मत बनाओ, मुझे बता दो वो कहाँ है, मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस बता दो कहाँ है वो। प्राची बस, मेरे पास ना तुम्हारी बेकार की बातों का जवाब देने का बिल्कुल समय नहीं है अभी, मुझे खुशी को ढूंढना, मैं एक ही चीज को बार बार नहीं दोहरा सकता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद खुशी को ढूंढ रहा हूँ। देखो रणबीर, देखो रणबीर कोई खेल मत खेलो, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं किसी बात में, कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस खुशी से मतलब है, अपनी बेटी से मतलब है, मुझे बता दो वो कहाँ है वो। बता
बता दो प्लीज, वो मेरी बच्ची है, बता दो कहाँ है। मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी, मेरी भी बेटी है वो। और तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं खुशी को बचाना चाहता हूँ, खुशी को ढूंढ रहा हूँ मैं। बस मैं खुशी को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसको सही सलामत घर लेके आऊंगा, ठीक है? और मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। मैं माँ हूँ उसकी, प्लीज बता दो, मैं कुछ कर पाऊंगी, बता। कोई ट्रेस नहीं करेगा रणबीर का कॉल, कोई पता नहीं लगाएगा वो कहाँ है। मीका, मुझे अपने रणबीर पर पूरा विश्वास है, I trust him। अगर वो खुशी को ढूंढने निकला है, so let him। क्यों कर रही हो ऐसे? अरे सूर्या भाई, थैंक गॉड, ये टैक्सी तुम्हारी चोरी हो गई है। चोरी कहाँ हो गई है? तो यहीं पे चोरी हो गई, तभी तो यहाँ पे है भाई। नहीं यार। हाँ यार, मैंने चोरी कर ली है। तो ज्ञान बाद में देना भाई, पहले बैठो तुम, अपने पास टाइम नहीं है। ऐसे कैसे चोरी कर ली तुमने यार, ऐसे कैसे? अच्छा सूर्या भाई, एक बात पूछूं तुमसे, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों, मना करूंगा तो भी पूछोगे? नहीं नहीं, सुनो ना, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो यार? तो तुमने गाड़ी वाड़ी चुरा ली, इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरे को फोन दिया, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्यों? बोला था ना भाई, मेरी भी एक बेटी थी और अपनी औलाद को खोने का दर्द अच्छी तरह जानता हूँ मैं। हर दिन न जाने कितनी मौत मरता हूँ मैं, हर दिन जीता नहीं हूँ मैं, हर दिन एक मौत मरता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि वो दर्द तुम्हें भी मिले और तुम्हारी ज़िंदगी को भी सजा बना दे। और शायद इसलिए भी कर रहा हूँ कि तुम्हारी मदद करके मेरी दुखती आत्मा को शांति मिलेगी। अभी इमोशनल मत कर भाई, चल निकलते हैं। सूर्या, जिंदगी ना कुछ ऐसी है, इम्तिहान लेती रहती है, कभी किसी का ज़्यादा, कभी किसी का कम। बस इम्तिहान से ना घबराना नहीं चाहिए, जैसे तुम नहीं घबरा रहे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम्हें पक्का पता है वो लोग यहीं गए हैं जहाँ तुम जा रहे हो? हाँ भाई, पक्का का चक कोई बात ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा रोड ही नहीं। पर यहाँ से कहाँ, फिर लेफ्ट लें या राइट लें? लेफ्ट राइट भी कुछ नहीं है भाई, आगे जाके रोड ही खत्म है। तुम कमाल के आदमी हो यार, तुम्हें सारी रोडों के बारे में कैसे पता है सब कुछ? अरे बाबा, पूरा बचपन गुजारा है इन्हीं रोडों पे मैंने, आंख बंद करके बता सकता हूँ कौन सी रोड कहाँ जाती है। नहीं नहीं, थोड़ा तेज चलाना है। अक्षय, दिमाग खराब हो गया तेरा, अपनी बहन पे हाथ उठाता है, एक लड़की पे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या किया तूने? चला जा यहाँ से। सच में पागल हो गया है, होश में नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको कुछ पता नहीं चलता। डैड मैं तो होश में हूँ, लेकिन ये होश में नहीं है, पागल हो गई है उस रणबीर के लिए। और अगर तूने दोबारा ये हरकत करी ना भीका, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है और मैं फिर से मारूंगा तुझे। क्यों मारेगा फिर से? तुझे अक्ल नहीं है, बहन है ये तेरी, तेरे बराबर की है, इतना गुस्सा क्यों है तेरे अंदर? हे मॉम, गुस्सा है, अपना गुस्सा अपने पास रखो अक्षय। कुछ नहीं बोलोगे तुम, सुना तुमने, कुछ नहीं बोलोगे तुम, तुमसे नहीं देखा जा रहा ना कोई बात ही, तुम साइड में बैठ जाओ, पर डिस्टर्ब मत करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं खुशी को ढूंढने की, तुम ये सब तमाशे करके ना बस हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम उलझा रहे हो चीजों को, समझ रहे हो तुम? मैं उलझा रहा हूं, मैं खराब कर रहा हूं सब, मैं? तुम खराब कर रहे हो। फिलहाल हमें खुशी पे फोकस करना है, वो घर कैसे आए ये पता लगाना है हमें, हमें उसे ढूंढना है बस। और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नए नए तमाशे कर रहे हो, मीका पे हाथ उठा रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? चाची लिसन टू मी, कोई तमाशा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा यहाँ पर और कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसे इतना ढूंढने के लिए, मुझे सिर्फ खुशी चाहिए। और आप लोग सब मिलके हर वक्त मुझे ब्लेम करते रहते, जानते हैं कितनी बड़ी बेवकूफी की है इसने, कितनी बड़ी इडियट है ये। रणबीर से बात करी थी ना प्राची, हमें उसकी लोकेशन मिल सकती थी, वो कहाँ है, हम खुशी तक पहुंच सकते थे प्राची, कैन यू बिलीव इट? अगर थोड़ी देर और बात हो जाती रणबीर से, तो खुशी हमारे साथ होती, हमारे घर में होती, हम सबके साथ होती, लेकिन स्टूपिड ने फोन काट के सब कुछ खराब कर दिया। What do you mean? हाँ, रणबीर ले गया उसे। आप सब जानते हो कि रणबीर आप सबसे अच्छा है, आपसे भी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है रणबीर, रणबीर के जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा अच्छा, सेंसिबल, नेक, उससे तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा कोई अच्छा। मीका, मीका पुत्र, तू शांत हो जा, शांत हो जा, खुशी को ढूंढने के लिए सब लोग हैं ना, उनको उनका काम करने दे, शांत हो जा। मतलब
मतलब आप भी रणबीर के ऊपर शक कर रहे हो? सब रणबीर के ऊपर शक करेंगे अब, पर क्यों? कल तक तो सब विश्वास कर रहे थे रणबीर पर। हाँ, रणबीर बहुत अच्छा था कल तक, है ना? गलत बोल रही हूँ मैं मॉम? आपको तो बहुत पसंद था ना रणबीर, और वो आपको, आपको भी तो पसंद था रणबीर, सबको पसंद था। तो अब क्यों, अब रणबीर के ऊपर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अभी तक तो सब सराखों पर बिठा के रखा था रणबीर को, है ना? पर अब क्यों नहीं, अब सब उसके ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नेक, सच्चा, ईमानदार, कितना अच्छा था रणबीर सबकी आंखों में, पर अब क्या हुआ? उसने मुझे बचाया है गुंडों से, मेरी जान बचाई उसने, यहाँ तक कि प्राची को भी तो बचाया उसने आतंकवादियों से। जो इंसान जिंदगी बचाता है, वो इंसान जिंदगी के साथ कैसे खेल सकता है, कैसे खेल सकता है? वो नहीं, कभी नहीं, नेवर, भूल से भी कोई नहीं कहेगा कि रणबीर जिम्मेदार है खुशी के गायब होने का। कोई ब्लेम नहीं करेगा रणबीर को, कौन? नोबडी, नोबडी ब्लेम रणबीर का, नोबडी ब्लेम रणबीर। बस तू जा, अंदर जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। बोलने दो, जिसको बोलना है बोलने दो रणबीर के खिलाफ। सुन सुन सुन, इधर आ, सुन, तू यही रहना, ठीक है? लेकिन अपने आप को परेशान मत कर, पुत्र। अच्छा चल बैठ, वा चल चल मेरे साथ, मुझे कहीं जाना है। शांत हो जा, ठीक है, ठीक है, देखेंगे हम। रितिका जी, आई एम सॉरी, हमारे इस परिवार के नाटक के लिए जो मीका ने रणबीर का फोन काटा, आपका काम रुक गया। मैं इट्स ओके सर, इट्स ओके, हो जाता है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता और कोई अंदर ही दबा लेता है। दोबारा कॉल आएगा तो हम ट्रेस कर लें। दोबारा कॉल आएगा? जरूर आएगा, हमें बस थोड़ी देर वेट करना होगा। अच्छा हुआ गए, मतलब हम बच गए ना? पूरी तरह तो नहीं, पर फिलहाल हमारी किस्मत अच्छी है जो बाल बाल बच गए। भाई पक्का ना हम लोग बच गए? तू मनुष्य बात मत किया गया, उनके पास की गाड़ी या टैक्सी नहीं है। भाई इतने टाइम से देख रहा हूँ मैं, एक टैक्सी हमारा ना पीछा कर रही है। अबे साले फिर उल्टी बात की तूने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनको शक हो गया कि हम इनके पीछे आ रहे हैं यार? शक वाली कोई बात नहीं है भाई, उनको थोड़ी पता हमारे पास टैक्सी है। अबे फैला दी ना तूने मनुष्य, काली जुबान है तेरी, ये लोग वही है, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, गाड़ी भगा जोर से। अरे रुको भाई, अगर गाड़ी भगाएंगे तो इनको पता चल जाएगा ना उनका पीछा कर रहे हैं। अरे तो पता चलने दो ना, और मुझे तो लगता है पता चल चुका है इनको। अच्छी बात, तू गाड़ी तेज भगा, इनको पकड़ लेंगे, जाने दे। हां पक्का पक्का, प्रॉमिस। ये सब क्या? अगर पकड़े गए तो ये लोग रणवीर को अरेस्ट कर लेंगे। ये बेचारा कितना भी बोले कि खुशी इसकी बेटी और इसने नहीं, उन्होंने किडनैप किया है, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मानने वाला। पुलिस, ये लोग हमें खुशी के साथ पकड़ लेंगे। गाड़ी मोड़। भाई इधर से जाएंगे तो इनको हम पे शक हो जाएगा। अरे शक होगा तो सिर्फ पीछा करेंगे, लेकिन अगर खड़े रहे तो पकड़ लेंगे। भगा भगा भगा। गाड़ी यहाँ से क्यों जा रही है? ए कुत्ता, उसी गाड़ी में वो, पकड़। ए चालू कर। ये ले पुत्र, पानी पी ले, पानी पी ले। पागल लड़की है मीका, सच में पागल। अगर इन लोगों को रणबीर का कॉल ट्रेस करने देती तो अब तक रणबीर पकड़ा गया होता और बाजी पलट गई होती। एक बार फिर रणबीर सलाखों के पीछे होता। रितिका मैम, अभी तक उसने कॉल नहीं किया, क्या लगता है वो आपको दोबारा बेवकूफी करेगा कॉल करने की? आई मीन रणबीर इतना चालाक है, पुलिस से पकड़े जाने के बाद भी स्टेशन से भाग गया, उसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। चारों तरफ नाकाबंदी पे सब चौकन्ने हैं, हर तरफ हाई अलर्ट है, उसके बावजूद वो खुशी तक पहुंच गया है। अब तो वो अपने आदमियों के साथ भी है, तो क्या वो बेवकूफी करेगा दोबारा कॉल करने की? शॉर्ट मैम, इसका मतलब ये है कि रणबीर इतना स्मार्ट है कि उसको पता होगा कि हम उसका कॉल ट्रेस कर रहे हैं।
इसलिए वो फोन करने की मिस्टेक नहीं करेगा। हम ना ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं जाती हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं अपनी बच्ची को ढूंढ निकालूंगी कहीं से। प्राची, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या कहीं नहीं जाओगी? हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे खुशी थोड़ी ना मिलेगी हमें। और मुझे नहीं पता, अगर अगर सच में रणवीर उसे ले गया ना, तो मैं बात करूंगी उससे। मेरा कहना मानेगा वो सुनेगा, क्योंकि वो भी तो एक बाप है। वो मेरी बात मानेगा, मैं बात करूंगी खुशी को, मैं उसे ले आऊंगी। ठीक है, मैं मान लिया, मान लिया। और क्या करोगी तुम? रणवीर को कॉल करोगी, उससे पूछोगी कि वो कहाँ है, और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बता देगा अपनी लोकेशन? नो, इट्स नॉट गोना डू दैट। उसके पास इतना दिमाग है, ही इज रियली स्मार्ट। अगर रणवीर कॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सच में जरूरत से ज्यादा चालाक है। यहाँ ये लोग, ये इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इसकी भनक भी नहीं है उसे, फिर भी वो समझ गया इनके बारे में और अब वो फोन नहीं कर रहा है। वेट, तो अब कर क्या रहा है? कहीं वो, ओह नो, इसका मतलब चांसेस है कि वो राणा और उसकी लोकेशन तक पहुंच रहा हो। नो 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 नो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा और सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। प्राची भाभी, आप मुझे बताओ, आपको लगता है रणबीर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? आप बताओ मुझे, ऐसा है रणबीर? बोलो ना, आपका दिल क्या कहता है प्राची भाभी? मेरा दिल जो भी कहे, डजंट मैटर। अक्षय ने जो भी फैक्ट सामने रखे है ना, अक्षय जो भी बोल रहा था, उससे तो यही लग रहा है ना कि खुशी रणबीर के पास है। फैक्ट्स मत देखो ना, जो सामने है वो देखो। आप बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है? अपने दिल से पूछो। हाँ, अपने दिल से पूछो और आप मुझे बताओ कि रणबीर ऐसा है क्या? रणबीर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? बोलो, आप बोलो मुझे, पूछो अपने दिल से। कुछ मत कहना, क्योंकि मैं जानती हूँ रणबीर एक अच्छा इंसान है, इसलिए दिल क्या कहता है ये कहना मुश्किल होगा। रितिका जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने ऐसे कई सारे केसेस हैंडल किए हैं ना, आप बताइए ना क्या होगा आगे? इस वक्त हम लोग नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और बल्लेबाज रणबीर स्ट्राइक पर। अब वो कब शॉट खेलेगा, क्या शॉट खेलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कॉल आएगा, ज़रूर आएगा।